दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम इन दिनों अपनी पेरेंटहुड जर्नी को खूब एंजॉय कर रहे हैं। इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ और फैमिली चर्चा पे आ गई है। इस बार दीपिका और शोएब के बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि शोएब की अम्मी और अब्बू के बारे में बात हो रही है। दरअसल पिछले काफी वक्त से शोएब के अम्मी अब्बू को साथ रहते नहीं देखा गया। शोएब ने अपनी अम्मी के लिए फ्लैट खरीदा है, वो उसमें रहती हैं। वहीं शोएब ने अपने 5 BHK फ्लैट में पिता के लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं। पिछले काफी वक्त से शोएब के पिता बीमार हैं और शोएब दीपिका के साथ ही रहते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जब कोई दिक्कत नहीं है तो शोएब के पिता उनकी अम्मी के साथ क्यों नहीं रहते, या फिर शोएब के फ्लैट में ही उनकी अम्मी उनके अब्बू के संग क्यों नहीं रहती। आपको बता दें कि शोएब के पिता को स्ट्रोक आ गया था, जिसकी वजह से उन्हें शोएब के फ्लैट में लाया गया था और एक अलग से रूम उन्हें दिया गया था जहां पे वो रहते थे। वहीं अब शोएब और दीपिका का नया घर बन रहा है, जो कि 5 BHK अपार्टमेंट है और जो कि रेनोवेट हो रहा है। तो ऐसे में शोएब के पापा को अम्मी के फ्लैट में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं शोएब के पापा भी वहां आराम से रह रहे हैं, पर शोएब और दीपिका उन्हें अपने 5 BHK फ्लैट में एक रूम देना चाहते हैं और जिसका भी इंटीरियर भी करवा रहे हैं। ऐसे में कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब उनका घर है और वो उस घर में आराम से रह रहे हैं, तो फिर उन्हें अलग घर में क्यों रखा जा रहा है, दोनों साथ में क्यों नहीं रह रहे हैं। ऐसे में कई लोग ये भी सवाल उठा सकते हैं कि अम्मी के पास उनकी बहनें आ जाती हैं, वो रहने लगती हैं और जिसकी वजह से उनके घर में जगह नहीं होता। तो ये सिर्फ कहने वाली बात है, क्योंकि अगर जगह की इतनी ही बात होती तो सबा का भी अपना घर है, दीपिका का भी घर है, उसके घर में भी लोग आकर रह सकते हैं। पर सिर्फ और सिर्फ पापा के लिए एक अलग रूम बनाना और उन्हें अलग रूम में शिफ्ट करना, ये उस घर में ठीक था जब वो रेंट पे रहती थी और उनके पास ज़्यादा बड़ा घर नहीं था। पर अब उनके पास 2 BHK बड़ा घर है, बड़ा फ्लैट है और एक रूम उनके पापा के लिए है। तो ऐसे में शोएब दीपिका के साथ फिर से वापस शिफ्ट होना, ये बात फैंस को समझ नहीं आ रही है। क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर, और क्या आपको भी लगता है कि शोएब के अम्मी अब्बू साथ नहीं रहते हैं? हमें कॉमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएँ।